इतना घमंड, इतना घमंड शोभा नहीं देता अंगद। अरे निर्लज्ज, तुझे इतना घमंड किस बात का है? यदि तेरे भीतर इतना घमंड टूट टूट कर भरा ही है तो चल, मैं कापति रावण तुझे यह वचन देता हूं, जो तेरे मन में है मान ले। तेरी यदि मैं शर्त पूरी ना कर सका तो तेरे साथ सीता को इसी समय भेज दूंगा। अच्छा, अरे निर्लज्ज, अगर मुझे श्री रामचंद्र जी का भय नहीं होता तो मैं आज तुझे और तेरी सारी लंका को अकेला ही भस्म कर देता। मैं तो डर गया अंग। अरे वो चल, चल अपनी कोई शर्त है तो उसे मान ले। ठीक है लंकेश, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आज मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक तुम्हारे दरबार में यह प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे पूरे राज्य में जितने भी वीर हैं और स्वयं तुम मेरा एक पैर अगर अपनी जगह से हिला दिया तो मैं माता सीता को हार कर चला जाऊंगा। श्री राम प्रतिज्ञा करता हूँ। भासे नाल बार 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 रे लबार सठ, भासे नाल बार 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 रे लबार सठ, तेरी सील जान इसकी शपथ मातु, जान की शपथ जान की तो हार जाऊं मैं, जान की शपथ जान की तो हार जाऊं। दिखाओ प्रभु रामचंद्र जी के सेवक में।
अरे अंदर, अब भी मैं तुझे एक मौका देता हूँ। वचन नहीं, इसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का वचन समझो। अभी उठाता हूँ तेरा पैर। जय श्री राम। अच्छा तो ये पांव उठाना है। गिनो ना, सुन सुन। चिंता। महिषासुर, अब तेरी खैर नहीं बता। इस फंसे से मैं तेरा पांव ही फाड़ देता हूँ। ऐसा करने से इसकी शर्त पूरी नहीं होगी। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, तो पांव ही उठाता हूँ। लगता है ये पांव के नीचे फेविकॉल लगा के लाया है महाराज। फेविकॉल लगा के लाया है। और गड़ा सुन। जी महाराज। अरे रावण, तू कितने ही सुर भेज दे लेकिन ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक अमितासुर और इसका पांव यहां से हिलने वाला नहीं। चंद्रमासुर सारे सुर हो गए। फिर अब मैं एक जुगाड़ बताता हूँ।
तुरंत हो जाएगा काम, कहो तो बताऊं अब। महाराज बताऊं कांत व्यर्थ की चिंता में पड़े हो लिंगे, काम तुम्हारा मिनटों में हो जाएगा। 500 का नोट अंकित के जेब में डालो, काम अपने आप हिल जाएगा, काम अपने आप हिल जाएगा। अरे दुष्ट दुष्ट, इतने गंभीर विषय में भी तुझे मजाक सुन रहा है, शब्द बोल कर। तो महाराज वो कॉन्ट्रैक्टर साहब आए फर्स्ट क्लास के, उधर दिख रहे मुझे बार बार भीड़ में बैठे हुए, उनसे मैं जैसी भी मशीन मंगवा लू उससे उठा लूंगा, आज्ञा हो तो कहू बड़ी बड़ी आमा पे रख जाऊ जाऊ आमा आशीर्वाद चाचा चाचा दादा तो पहले से लेके हम पीछे का एक तो बच्चे थे जरा मेरे भीषण चाचा उनको भी लगा दिया, अब मैं चाचा मेरे बस की नहीं है चाची, आशीर्वाद राम गरीब असुर अब तुम ही अपनी गरीबी दिखाओ। ठीक है महाराज, जी महाराज दुर्लभ है दुर्लभ। हो गया इसका भी काम खूब, मेरे महाभट योद्धाओं में से किसी योद्धा में इतना साहस नहीं रहा कि अदने से मरकट का घमंड दूर कर सके। तुम सब पर महाराज कल से मैं इनकी ट्रेनिंग दुगनी बना देता हूँ, इनकी खुराक दुगनी करता हूँ, ये कैसे कर पाएंगे काम, ये बानर का पांव नहीं उठा पाएंगे। पुत्र इंद्रजी आज्ञा पिता श्री, इस वानर का घमंड दूर करो, जो आज्ञा पिता श्री। इसमें 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 देश इसमें भी हो रहा है, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, नेटवर्क का हो रहा है। जय श्री राम, अगर आप कहो तो मैं इस मरकट को एक बार से सात समंदर पार फेंक दूंगा। नहीं पुत्र इंद्र जी, ऐसा करने से इस मरकट की शर्त पूरी न होगी। पर घोर आश्चर्य पुत्र इंद्र जी, तुम भी एक मरकट का पैर न उठा सके। अरे रावण, तू अपने पुत्र को क्यों लज्जित करता है? अगर तुझ में बल है तो तू अपना बल क्यों नहीं आजमाता? मुझे भाव न पड़ क्यों, अपनी शान घटाता है क्यों, अपनी शान घटाता है तू, क्यों नहीं पड़ता राम चरण उस मैं क्यों लज्जा खाता फिर
खाने के बाद भी तू नहीं समझा मुझे, अगर श्री रामचंद्र जी का भय नहीं होता मैं इस लंका को फिर से राख कर देता। परंतु रावण अब तू अपने इस स्वर्ण लंका और अपने इस झूठे शान की बर्बादी समझ ले रावण, क्योंकि तूने सीता माता को हर के अपनी बर्बादी खुद तय की है। तो मैं जा रहा हूँ रावण, और समझ जा और अपनी लंका की बर्बादी के लिए तैयार हो जा। जय श्री राम।